गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको रिलेशन का डिफिनेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सेमेंटिक रिलेशन को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन आर है और इस आर रिलेशन के अंदर हमारा एक एलिमेंट एक्स को मां वाई आ रहा है और इसी रिलेशन के अंदर दूसरा एलिमेंट वाई को मां जेड आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है एक्स जो है रिलेटेड किससे है वाई से और वाई किससे रिलेटेड है जेड से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या देखते हैं यहां पर जो वाई एलिमेंट है दोनों में क्या है कॉमन है। अगर ऐसा होता है ठीक है ना, अगर ऐसा होता है क्या अगर किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट में एक्स वाई से रिलेटेड है तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है किस पर खत्म हो रहा है वाई बन रहा है। अब वाई से ही कोई दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो जाए, वाई से ही कोई दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो जाए। देखो वाई से स्टार्ट हुआ ना, अभी किसके साथ रिलेशन बना रहा है जेड के साथ रिलेशन बना रहा है। तो अगर ऐसा होता है इफ, इसे क्या कहेंगे इफ, अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बन जाए। दैट मीन्स या इसी रिलेशन के अंदर एक और एलिमेंट आ जाए एक्स कोमा जेड, तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा इफ का कंडीशन हो गया, इसे हम कहेंगे देन। देन अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा भी हो जाए तो ये हमारा कौन सा रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव रिलेशन रिलेशन इफ एक्स कोमा वाई एक एलिमेंट है जो कहां बिलोंग कर रहा है आर में बिलोंग कर रहा है, वाई कोमा जेड दूसरा एलिमेंट है जो कहां बिलोंग कर रहा है इसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा होता है देन दिस इंप्लाइज एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है इसे हम लोग कहेंगे इफ का कंडीशन और इसे क्या कहेंगे देन। अगर ऐसा करने पर ऐसा भी हो जाए तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक रिलेशन आर है, इस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है वन कोमा टू, दूसरा एलिमेंट आ रहा है टू कोमा थ्री और एक लास्ट एलिमेंट आ रहा है वन कोमा थ्री। तो यहां पर क्या हो रहा है इफ का कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इफ का कंडीशन कैसे अप्लाई हो रहा है, यहां पर ये एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर था टू पे खत्म हो गया और फिर टू से क्या हो गया दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो गया, इसमें टू और टू कॉमन दिख रहा है तो ये हमारा क्या था इफ का कंडीशन अप्लीकेबल हो रहा था। अगर इफ हो रहा है और देन भी हो जाए, देन भी हो जाए तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पर किसी किसी बीच में रिलेशन होना चाहिए वन और थ्री के बीच में, तो वन और थ्री एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक रिलेशन आर है, इसका एलिमेंट वन कोमा थ्री, थ्री कोमा फोर और फोर कोमा फाइव है तो ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्यों, क्योंकि यहां पर इफ का कंडीशन अप्लीकेबल हो रहा है, यहां पर थ्री और थ्री कॉमन हमें दिख रहा है तो ये इफ का कंडीशन अप्लीकेबल हो रहा है तो देन भी होना चाहिए तो तब ये हमारा क्या होता ट्रांजिटिव रिलेशन था। दैट मीन्स क्या यहां पर वन कोमा फोर भी अगर आ जाता तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता ट्रांजिटिव रिलेशन, बट ये अभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, इसमें वन कोमा फोर एक और एलिमेंट आ जाए तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये फोर कोमा फाइव एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सके बट इसमें ध्यान क्या रखना अगर इफ का कंडीशन अप्लीकेबल हो रहा है तो देन का कंडीशन भी अप्लीकेबल होना चाहिए तब ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं, आर स्क्वायर टू एक रिलेशन हमारे पास गिवन है जिसका एलिमेंट वन कोमा टू, थ्री कोमा फोर, फोर कोमा फाइव है तो ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है। यहां पर तो इफ का अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यहां पर इफ का कंडीशन अप्लीकेबल, यहां पर ये
ये जो ऑर्डर पेयर है टू पे खत्म हो गया, तो टू से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, ये फोर पर ऑर्डर पेयर खत्म हुआ तो फोर से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा यहाँ पर हम 5.6 कर देते हैं, ये हमारा 5.6 हो जाएगा। तो 5.6 ठीक है ना, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से कोई स्टार्ट, और ये ऑर्डर पेयर खत्म हो गया 6 पे खत्म हो गया तो 6 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा। इसे दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहे तो यहाँ पर 1 का इमेज क्या है 2 है, तो 2 का कोई डोमेन बन रहा है क्या? डोमेन नहीं बन रहा है। यहाँ पर 3 का इमेज क्या था? 4 था। अब 4 किसी भी ऑर्डर पेयर का डोमेन है? नहीं है। 5 का इमेज क्या है? 6। 6 किसी का डोमेन है? नहीं है। तो ये इस रिलेशन आर में हर ऑर्डर पेयर क्या है? डिफरेंट है। तो अगर सारी के सारे ऑर्डर पेयर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं तो वैसा रिलेशन भी क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन का 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये ठीक है, अगर इफ का कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है तो देन भी होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या था? अगर सारे के सारे ऑर्डर पेयर डिफरेंट आ रहे हैं तो भी वो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, काफी छोटा सा क्वेश्चन। रिलेशन आर इज इक्वल टू आपके पास गिवन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाइफ है। किसका? वाई का। तो इस रिलेशन आर में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे ना। जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट क्या आ गया? ए कोमा बी आ गया। तो ए यहाँ पर क्या है? वाइफ है। किसका? बी का। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता बी किसी का वाइफ बन जाए? बी इज द वाइफ ऑफ सी, क्यों? बी तो यहाँ पर हस्बैंड है, तो हस्बैंड क्या वाइफ बन सकता है? नहीं, यहाँ पर ये बी अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हो सकते यहाँ पर सी डी आ जाए, डी सी आ जाए, सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाए? ई एफ आ जाए, और क्या आ जाए? जी एच आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहाँ पर इफ का कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रहा तो देन का कोई मीनिंग नहीं पड़ता। अगर इफ एप्लीकेबल होगा तो देन होना चाहिए। अगर इसी रिलेशन में 1-4 का ऐड कर दें तो इफ का कंडीशन तो बन रहा है लेकिन देन नहीं बन रहा, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इफ बन रहा है तो देन भी होना चाहिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसे हम एक अल्जेब्रिक क्वेश्चन से प्रूव करके दिखाएंगे, इसे खत्म नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन कह रहा है आर एक रिलेशन है जिसका एलिमेंट एक्स कोमा वाई है सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो आपको शॉर्ट एंड करना है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहले कंडीशन क्या होगा सॉल्यूशन का? पहले तो आप कंडीशन लिख लीजिए, अल्जेब्रिक कंडीशन लिख लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या होता है। तो क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। ठीक है, तो अगर एक्स कोमा वाई इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? इक्वल टू का रिलेशन बनेगा ना। तो दिस इंप्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वाई के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या मान लेंगे? वाई कोमा जेड बिलोंग करेगा ना आर में। अगर y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? y बराबर होगा किसके? जेड के। ये इक्वेशन सेकेंड है। स्टूडेंट इस रिलेशन, इस ट्रांजिटिव रिलेशन को भी प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन क्या होगा? पहले का रिलेशन को लिख लीजिए। दूसरा क्या होगा? कंडीशन, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, उस एलजेब्रिक कंडीशन को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को मान लेंगे ले दिस बिलोंग टू आर एंड वाई कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग प्रूफ क्या करेंगे?
x, z also belongs to R, इसे मान लेना है, इस पार्ट को मान लेना है और इस पार्ट को हमें क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, x, z also belongs to R, अगर x, z belongs कर रहा है आपका R में, this implies क्या, x और y क्या होना चाहिए, x z के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से क्या हम लिख सकते हैं x बराबर z है, लिख सकते हैं, जो x बराबर है y के और y बराबर है किसके, z के। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, x के बराबर है ना, तो y के वैल्यू को इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इंप्लाइज एक्स किसके बराबर आएगा, जेड के बराबर आएगा, दिस इंप्लाइज एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा, हेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड belongs to R, this implies x, z also belongs to R, the condition satisfy ho raha, hence R is transitive relation, जो R होगा हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन का। ये स्टूडेंट इसका एल्जेब्रिक प्रूफ हो गया। तो आपके पास जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे के कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया और उससे एल्जेब्रिक इस तरह प्रूफ किया जाता, सारे को अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज करें और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।